ध्यायांस्तुवन्तस्य च सस्त्रिसंज्ञं वन्दे श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावतारौ संकीर्तनैकपितरौ कमलाचितार्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ धर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाकरौ कुचकलशपरार्ताकेसरी क्षीणमध्या विपुलतरनितम्बापक्वबिम्बाद्रोष्ठि चरणमयि वयस्माष्कन्धविन्यस्तहस्तो निधुवनरसपुञ्जम् जातिराधारनिकुञ्जम् ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशादस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेतं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्गविसर्गादिं नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामनमामि तत् जय श्री रूक्षनाथन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ ये छय गोसाई कर चरण वंदन जाहिं विघ्ननाश अभीष्ट पूरन वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की श्रीमनित्यानंद प्रभु की श्री अद्वैत प्रभु की श्री गदाधर प्राणनाथ की सुभाष पंडित की सकल आचार चरण की ब्रजरानी राधा रानी की श्री लाडली लाल की श्री गिरिंद्र बिहारी बिहारनी सरकार की श्री पंडित बाबा जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निदाय गौर हरि बोल। परम मंगलमय है अकारण करुणा करुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से विलाप पुष्पांजलि के माध्यम से सत्संग लाभ का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज विलाप पुष्पांजलि श्लोक संख्या 56 तोद्गीर्णं भोज्यं सुमुखे किल कल्लोलसलिलं तथा पादां भोजामृतमिह मया भक्तिलतया अयि प्रेम्णा साध प्रणयि रहो लब्धव्यं किं प्रचुरतर भाग्योदयवलै कल हम लोग यह श्रवण किए थे कि प्रिया जी को रूप मंजरी और तुलसी मंजरी मिल करके चरण सेवा और कर सेवा निकुंज में इस सेवा का स्मरण आचार्य चरण किए थे।
जिस रस के लिए प्यारे श्याम सुंदर तरसते रहते हैं उस रस को मंजरियां सहज में प्राप्त कर लेती हैं प्रिया जी की कृपा से। आज की सेवा है कि आचार्य चरण कह रहे हैं कि हे सुमुखी, सुगंधित मुखा जस्या अहो इस अनुभूत स्थले, प्रिया जी की जो निकुंज स्थली है इस कुंज में अन्य किसी साधारण भक्तों का प्रवेश नहीं है, तो इसमें क्या मैं भक्ति लता के साथ माया की बहुविधे प्रणयी जनहीं प्रिया जी की सहचरियों के साथ उस रस का अवगाहन करूंगी जिस रस में मंजरियों का सबसे बड़ा सुख दो सुख है, प्रिया जी का पाद प्रक्षालन और प्रिया जी का उच्छिष्ट। तो उसी को कहती हैं कि क्या हमारा ऐसा भाग्य उदय होगा कि मैं प्रिया जी का उद्भीर्ण भोज को मैं प्राप्त करूं और पाद पद्म का जल मुझे प्रचुर रूप से प्राप्त हो। ये आचार्य चरण की अपना अनुभूति है। जब जब जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता जाता है भगवान का लीला स्वतः स्फुरण होता रहता है चित्त में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आरती पूर्ण प्रिया जी के चरण कमल रस भक्ति प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं और प्रिया जी की सहज कृपा हो रही है और आपने ऐसा अनुभव किया कि वो ऐसा कब शुभ अवसर प्राप्त होगा कि मैं आपका चरण संवाहन करें और रूप मंजरी आपके कर कमल का संवाहन करें। इस लीला के बाद जब लीला तिरोहित हुआ तो उनके हृदय में बहुत तड़पन जागृत हुई, तो उस तड़पन के फलस्वरूप आपने ऐसा किया कि क्या ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा कि प्रिया जी का मुख चर्बित जो उच्छिष्ट प्रसाद है हमें प्राप्त हो। देखिए ये जिस रस का हम लोग यहाँ पर चर्चा हो रही है ये केवल चित्त जिसका चित्त शुद्ध हो पवित्र चित्त हो उसमें यह लीला अपने आप स्मरण हो जाता है, दूषित हृदय चित्त वालों में ऐसा लीला स्मरण नहीं होता। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल किसके हृदय में प्रकट होता है। जतपाद पद्म नखच जतपाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माश्रयम ग्रथित मुत ग्रथयन्ति संतः। श्री कृष्ण का जो चरण कमल है उस चरण कमल को यदि कोई प्रेम भक्ति के द्वारा स्मरण करता है तो उसका जो कर्माशय है अनंत जन्म का कर्म हम लोगों के पीछे पड़ा हुआ है जो बार बार अपने कर्म के फलस्वरूप प्रिया जी के चरण सेवा से दूर कर देता है, तो यदि कोई पलाश भक्तिया अर्थात श्री कृष्ण के चरण कमल के अंगुलियों की छटा का यदि कोई स्मरण करता है भक्ति के साथ प्रेम पूर्वक यदि कोई स्मरण करता है तो उसका कर्म का आशय है अंतःकरण में जो कर्म की मलिनता है ग्रथित मुद ग्रथयन्ति संतः। महात्मा लोग उस कर्म के भयंकर परिणाम को दूर भगा देते हैं दूर डालते हैं, जो कि शास्त्र में यहाँ तक लिखा गया है कि न भूंते छिजते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किसी व्यक्ति से यदि कोई पाप बन गया है या अब बन गया तो वह पाप बिना भोगे नष्ट नहीं होता है, अब का अर्थ यही होता है बिना भोगे जो नष्ट ना हो उसको अब कर पाप कर। जैसे तीर्थ है वृंदावन है, वृंदावन में यदि कोई पाप बन जाता है तो उसको भोगना पड़ता है,
अन्न क्षेत्रे तीर्थ कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति या तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेखम भविष्यति। अन्य जगह यदि कहीं पाप बन गया तो धाम में तीर्थ में आने पर पाप कट जाता है, लेकिन तीर्थ में जो पाप बन जाता है बिना भोगे कटता नहीं। इसलिए वृंदावन आने के पूर्व महापुरुष लोग कहते हैं विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मन कबे आमि हे रब श्री वृंदावन। ये वृंदावन भोग की स्थली नहीं, भोग भोगने के लिए नहीं, यहाँ तो चित्त पवित्र हो और प्रिया जी का लीला अपने आप स्मरण होता है। वही यहाँ पर कहते हैं जतपाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, जिनके पाद पद्म के अंगुलियों के दलों की कांति का स्मरण करने मात्र से जिसके अनंत जन्म का कर्म असह, जितना पाप बनता है अहंकार से बनता है। अहंकार यदि न रहे तो पाप बनेगा, कर्तृत्वाभिमान से ही तो पाप बनता है। और यदि जिसके पास कर्तृत्वाभिमान नहीं है तो पाप करता भी है तो पाप लगता है। एक सूक्ष्म बात, अहंकार से ही पाप बनता है। तो कहते हैं कि भगवान के चरण कमल के अंगुलियों के स्मरण करने मात्र से अहंकार रूपी जो हृदय ग्रंथि है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। देखिए भगवत स्मरण की इतनी भारी महिमा है। और वो स्मरण कहते हैं तदवन्न रिक्त मतयो जतयः निरुद्ध, जो बड़े बड़े जोगी जति लोग जंगल में एकांत में जाकर के अपने प्राण वायु को वश में कर लेते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं निरुद्ध, मतलब अपने इंद्रियों को वश में करके परब्रह्म में लगाना चाहते हैं लेकिन नहीं लग पाते, और वृंदावन में रह कर के सहज रूप में जिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया जाए और स्मरण करने से वो निकल जाता है, नष्ट हो जाता है कर्माशय अहंकार। इसलिए महाराज सबसे बड़ा पाप अहंकार। ब्रह्मा जी जब जगत की सृष्टि की तो सबसे पहले पांच चीज की सृष्टि की है, पंच पर्वा अविद्या अस्मिता राग देश और विद्वेष। आगे पाप किया, आगे पाप की सृष्टि की, इसके बाद पुण्य का सृष्टि, आगे दुख होता है, आगे खूब गर्मी लगती है तब ठंडा का अनुभव होता है, प्यास लगता है तब पानी का महत्व होता है, आगे पाप का निर्माण किया गया अविद्या का। अविद्या कहते हैं अज्ञान। संसार के प्राय प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान के चलते इस संसार में बस कर मर रहा है, चक्कर पड़ रहा है अविद्या। तो एक केवल भगवत भजन से ही, कैसा भगवत भजन जिसमें किसी प्रकार की आशय न इच्छा न, उनका यदि कोई भजन करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आचार्य चरण राधा रस सुधा निधि में कहते हैं जस पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी। अनंत कोटि ब्रज गोपियों के बीच में एक राधा नाम की अमूल्य निधि है, जिनके चरण नख के छटा मात्र से सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। राधा रानी की जो चरण का छटा है, चंचल नेत्र प्रिया जी जब नृत्य करती हैं, जिनकी पाद विन्यास चल रहा है, उन प्रिया जी के चरण कमल का यदि कोई केवल ध्यान कर देता है तुम्हारा तो उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ये रस को प्राप्त करने के लिए अज्ञान नाश करने की जरूरत नहीं, अज्ञान नाश होगा भी नहीं। इसके लिए क्या करने की जरूरत है कि प्रिया जी के चरण कमल का स्मरण। इसलिए भागवत में भक्ति में साधन का उतना महत्व नहीं किया गया जितना सेवक सेवक पूजा कीर्तन भजन ये सब अधिक जल्दी खींच लेता है। अचित्त जब शुद्ध होगा तो लीला स्वतः स्फुरण। इसीलिए हमारे गौर ने सब लोगों को पहले चित्त शुद्धि का उपाय बताया है। चित्त शुद्धि का उपाय क्या है? जोर जोर से भगवान का नाम, खूब जोर जोर से नाम संकीर्तन करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। और चित्त शुद्ध होगा तो भगवान को कहीं से बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान तो है लेकिन इतना जंक लग गया है कि वो दिखता नहीं। तो जंक को छुड़ाने के लिए भगवान करना, जोर जोर से नाम संकीर्तन करना, प्रणाम करना, ये सब भक्ति अंगों का साधन करने से चित्त अपने आप पवित्र हो जाता है। भक्तमाल ने कहा है कि एक राजा था,
तो बहुत विशाल बहुत सुंदर मकान बनाए, मरकत मणि का मकान बनाए, खूब सुंदर। मकान बनाने के बाद उसने सोचा कि दीवार पर कुछ चित्रकारी करना चाहिए। तो चित्रकारी करने के लिए क्या किया जाए, तो इस पता लगाया कि इस विश्व में सबसे सुंदर जो चित्रकार है उसको बुलाया। तो अपने नौकरों को भेजा कि पता लगाओ कि संसार में सबसे बड़ा चित्रकार कौन है उसको। तो उनका नौकर गया चित्रकार के पास, तो वो चित्रकार के पास गया तो चित्रकार घोड़ा पर चढ़ करके कहीं घूमने के लिए गया। रोज घोड़ा चलाता था उसका अभ्यास। तो उसे पता लगे वो कहाँ, तो घोड़ा पता लगाया कि वहाँ पर है, तो वहाँ पर गया। तो कहा कि राजा साहब हमको भेजे हैं, एक महल बनाए हैं, उनको पता लगा है कि आपसे बड़ा कोई चित्रकार नहीं, आप कृपा करके जाकर चित्रकारी कर। तो कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हम घोड़ा चला रहे हैं, जब हम काम फुर्सत में होंगे तब जाएंगे, अभी हमको घोड़ा चला। तो नौकर कहा कि कुछ आप चित्रकार हैं उसका कुछ सैंपल दे दीजिए, पता है कुछ दे दीजिए, हम राजा को दिखाएंगे कि आप गए। तो कहा कि हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं है देने, क्या कुछ है? तो कहा कुछ तो दे दीजिए। तो उसका पगड़ी था, वो पगड़ी को कहा कि ले जा, यही हमारा सब। एक इस पगड़ी को कहा कि एक आगे और एक पीछे, दोनों इस पगड़ी को जोर से खींचो, इसका सिकुड़ा मिट गया। आप उसके पास चित्रकार बनाने का एक कलम था, उससे लेकर के उसमें थोड़ा स्याही लगा हुआ था, पानी में थोड़ा सा चिन्ह लगा, कहा कि यही सैंपल है, यही जाकर दिखा, यही नमूना है, जाकर दिखा। तो राजा के पास तो बड़े बड़े गुणी थे, बड़े बड़े चित्रकार इकट्ठा हुए थे। तो उस नौकर ने कहा कि महाराज तो आए नहीं, अपना ये नमूना भेज दिए हैं, कहे कि उनको यही दिखा। तो वे लोग जब इसको उस पगड़ी को चौड़ा करके उसमें देखे, तो जो कलर का जो चित्रकारी किया है, जिस धागा में वो रंगा है वही धागा में पूरा यहाँ से वहां तक दूसरे धागा में स्पर्श मिले। तो राजा बड़ा आश्चर्य, सब लोगों को आश्चर्य होगा। कुछ देर के बाद वो आ गए, कहा कि आप चित्रकारी करो। हाँ महाराज, कैसा करोगे? तो हाँ, इस संसार में क्या खुदा छोड़कर हमारा और कोई दूसरा कर नहीं सकता, हम इतना है। जब वो तब उसको सारा सौदा दे दिया गया कि लो जो जो सामान चाहिए दे दिया गया, उसके दीवार पर चित्रकार, उसी समय दूसरा चित्रकार है। और चित्रकार आकर के कहा कि महाराज हम जैसा चित्रकारी कर सकते ये भी नहीं कर सकते। दोनों में घोर लगा, तो एक दीवार उसको दे दिया गया, एक दीवार उसको, उसको भी सब सामान दे दिया गया। तो उस चित्रकार ने कहा कि पर्दा लगा दीजिए, मैं उसका भी चित्रकारी ना देखूं, ये भी मेरा ना देखूं, अब 15 दिन का टाइम दे दूं। तो जो पहले चित्रकार आया था खूब सुंदर दीवार पर अपना चित्रकारी किया, ये 15 दिन तक कुछ नहीं किया, उसको चित्रकारी कुछ आता नहीं। वो क्या किया, उस दीवार को खूब रगड़ता, खूब साफ करता। तो पहला वाला कहा कि महाराज पूरा हो गया। तो इससे पूछा गया कि तुम्हारा भी? हाँ महाराज, मेरा भी हो गया। तो पर्दा खोला जाए, हाँ खोल, लाइट जलाई, पर्दा खोल। तो जब पर्दा खोला गया तो इसका जितना चित्रकारी था इसका प्रतिबिंब इस पर इतना साफ कर दिया कि सारा प्रतिबिंब इसका यहाँ पड़ा, और कौन अच्छा है कौन बुरा है इसका कोई निर्णय नहीं, लेकिन इतना साफ दीवार को कर दिया था कि पूरा प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा था, तो ये अच्छा लग रहा। तब राजा सोचने लगे इस रहस्य को कोई जाना नहीं। तब उसी ने अपना पोल खोल दिया, महाराज हमको तो कुछ आता नहीं था लेकिन इसका प्रतिबिंब मेरे पर पड़ा। ये भक्तमाल में इसलिए कहा गया है कि भजन वजन से नहीं, चित्त जितना शुद्ध होगा, अब अपने मेहनत से हम प्रिया प्रियतम के दिव्य लीलाओं का स्मरण करें ऐसा करें तो टिकने वाला नहीं। प्रियालाल के जो दिव्य लीला है उसको चित्त को जितना पवित्र करेंगे, जितना शुद्ध करेंगे, ये चित्त जितना, यही कहते हैं जत पाद पद्म
जतपाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्मा श्रयं ग्रथित मुद ग्रथयन्ति संस्था। ये चित्त जितना पवित्र होगा तो भगवान का लीला स्मरण नहीं करना पड़ता है। ये तो है ही भगवान, सबके हृदय में नित्य लीला चल रही है, लेकिन हमारा हृदय इतना दूषित हो गया है, संसारिक वस्तुओं का चिंतन करते करते इतना दूषित हो गया है कि अब हम लोग सोचते हैं कि स्मरण हो, आंख मूंदते हैं तो संसार दिखता है, भगवान तो दिखते नहीं, तो लीला तो स्मरण हो नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं तदवन्न रिक्तमतयो जतयो निरुन्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं। भगवान कैसी रे स्वामी राम सुंदर जी कहते थे साधन भले कम हो, पाप से बचो। अरे तुम्हारा मन दूषित न हो इससे तुम बचो भगवान का। अरे तुम अपना व्यवहार शुद्ध करो, परमार्थ तो ऑलरेडी शुद्ध, वो परमार्थ क्या शुद्ध करना है, इसीलिए पाप से बचो। पाप सबसे बड़ा क्या है, अहंकार। अहंकार अभी दुखद डमरुआ, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं डमरुआ, सब पाप का जड़ है अहंकार। ये अहंकार जीव को महाराज हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। जो भगवान श्री हरि का जो चित भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा अहंकार क्या है, भगवत रसिक जी कहते हैं विद्या रूप महत्व कुल। मैं बड़ा भारी विद्वान हूँ, इतना मानने से ही भक्ति रूपी नष्ट, भक्ति का छह कंटक, भक्ति उस व्यक्ति के हृदय में कदापि नहीं होता है जिसको विद्या का अभिमान। हम विद्वान, उड़िया बाबा कहते थे कि जो कहता है मैं विद्वान हूँ वो एक नंबर का बेवकूफ। अरे विद्वान कैसे हो, विद्वान तो एक ही है, प्रियालाल है, नित्य विहार है। जितने भी बड़े बड़े विद्वान है, ब्रह्मा से भी कोई विद्वान हो सकता है, वो कहता है जानंत ये जानंत, हे प्रभु कोई कहता है मैं आपको जान गया, वो कहे हम तो नहीं जानते, और मैं तो दोनों हाथ केवल आपको प्रणाम करता हूँ, इसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं। विद्या रूप महत्व, महत्व कहते हैं बड़प्पन का, कुल धन जौवन और अभिमान, ये भक्ति मार्ग का छह कंटक। नैर्वाहत विदातुम त्वाम अकिंचन गोचर, कुंती महारानी श्रीमद् भागवत को कहती हैं कि हे प्रभु आपको वो लोग कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते जिसके हृदय में थोड़ा सा भी अहंकार, अहंकार अहंकार अति दूर। सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। भक्ति महारानी भी तो साधारण नहीं है, ये भक्ति महारानी क्या है तो भाग लिखा गया है कि जैसे माया के बस में जीव है वैसे ही भक्ति के बस में भगवान है। ये सारा 84 लाख जोनि किसके बस में है, माया के बस, मायाधीन है, वैसे ही जो पर स्वतंत्र भगवान है तो किसी के बस में नहीं आता है, वो भगवान भी भक्ति के बस, भक्ति के बिना, भक्ति भक्त जैसे कहते हैं वैसे करता है। भगवान कहता है, कहते हैं कि देखो भक्त कहता है खाने के लिए तो मैं खाता हूँ, भक्त कहता है कि स्नान करो तो स्नान करता हूँ, भक्त कहता है कि चलो तो चलता हूँ, अर्थात संपूर्ण रूप से भगवान भक्ताधीन। राम सदा सेवक रुचि राखे, भगवान हमेशा सेवक के अधीन है। भगवान का जितना अवतार हुआ है तो यह अवतार का मुख्य कारण भगवान का केवल संत भक्त महात्मा ही। इसीलिए महाराज भक्त लोग सब कुछ छोड़ करके एक ही काम करते हैं, वह क्या कर, भगवान की हरि का चिंतन करते हैं। देखो भाई कोई भगवत चिंतन को छोड़कर, भगवान के नाम को छोड़कर, लीला को छोड़कर सोचे कि मैं पाप से बचूं तो बच सकता है क्या, बच ही नहीं सकते। पाप से बचने का एक ही उपाय है सतत नाम, सतत भगवत स्मरण। वो उसी को यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, अपने मन को यदि शुद्ध करना है तो क्या करना है, तो राधा कृष्ण से नित्य निरंतर भक्त महात्मा लोग प्रिया लाल के श्री विग्रह अपने पास रखते हैं और रात दिन, अब सुबह उठते मंगल आरती करना है, फिर श्रृंगार आरती करना है, फिर बाल भोग खिलाना है, फिर राज भोग खिलाना है, फिर भगवान को थोड़ा शयन करा देना है, फिर 4 बजे उत्थापन आरती करना है, फिर संध्या आरती करना है, इसके बाद थोड़ा भगवान वन विहार का करेंगे तो वन विहार का थोड़ा पद गा देना है,
फिर भगवान को भूख लगी, थोड़ा 9 बजे खिलाना है, शयन आरती करना है, फिर शयन आरती के बाद भगवान को सुला कर जल्दी सो जाना है, फिर 3 बजे उठना है। मैंने 24 घंटा भक्त लोग उसी में रहते, यही कहते हैं राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया मन, अपने मन को एकांत करके प्रियालाल का सेवा करो। महात्मा लोगों को दे दिया जाता है कि तुम ठाकुर जी की सेवा करो, अब उसको मन नहीं है। मैं देखता हूँ महात्मा लोगों को कहीं जाना है तो कहे कब जाऊँगा, तो आज तो सेवा में फुर्सत नहीं है, चलो कल जाऊँगा, फिर वही सेवा। अरे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया था और मिथिला का एक राजा था बहुला स्वराजा, एक ब्राह्मण थे सुतदेव ब्राह्मण, ये दोनों रोज सोचते थे कि ठाकुर जी का अवतार हो गया है, द्वारिका में है, चलिए हम उनका दर्शन कर, आज चले तो चले के थोड़ा मंगला आरती कर लेते हैं, मंगला आरती किए तो अरे मंगला आरती हो गया, थोड़ा श्रृंगार आरती कर लेते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार किए तब तक ठाकुर जी को बाल भोग खिलाएंगे, बाल भोग खिलाए अरे और राजभोग कैसे छोड़े राजभोग, ऐसे ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गया, रोज रोज प्लान बनाते थे ठाकुर जी के पास। तो भगवान सोचे कि चलो हमें चलो, द्वारिकाधीश अपने भक्तों से कहे चलो हम, हमारा एक पैर बड़े प्यारे भक्त है, मिथिला में रहते हैं शुद्धदेव ब्राह्मण और बहुला स्वराजा, प्रतिदिन इनकी इच्छा होती है कि हम ठाकुर जी के पास चले, लेकिन इनके पास टाइम ही नहीं, आप चले। एक महात्मा यहाँ रहते हैं, कहते हैं कि हम रोज जाते हैं जमुना जी स्नान, और जब आता हूँ तो थक जाता हूँ, सोचता हूँ कल नहीं जाऊँ, फिर सुबह उठते कहते ना चलो 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 चलो। बरसाना में एक बुढ़िया है, बूढ़ी माता जी है नीचे, वो रोज मंगलारती ऊपर चढ़ करती, रोज मंगलारती है, और जब उतरती है तो कान पकड़ती है कल से नहीं जाऊँ, थक जाती है चढ़ने, और फिर सुबह होते फिर 4 बजे चल जाती है। तो ये अभ्यास जो है, तो ये अभ्यास पाप से बचा है, जिसको नाम रटने का अभ्यास है, भगवान की सेवा करने का अभ्यास है, सत्संग सुनने का अभ्यास, तो ये अभ्यास ही उसको पाप से बचा। इसीलिए कहते हैं राधा कृष्ण सेवन एकांत करिया, अपने मन को एकांत करके उन ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन करो, चरण कमल बन जाओ, बस प्रियालाल के दिव्य चरण कमल का स्मरण। फिर दोहार नाम रूप गुण सुनी, भगवान का जो भज्जी से प्यार हो जाता है ना, उसका बात सुनने का मन करता है, उसकी लीला सुनने का मन करता है, तो जो भगवान की सेवा में अपने को मन लगा देता है तो उनका नाम गुण सुनता है, कहाँ सुनता है तो महात्माओं के भक्त मुखे पुनि पुनि, श्रवंत गायंत विड़ंत भिक्षणसा स्मरंत नंदंत तवे हितं जना, बार बार श्रवण करता है, कीर्तन करता है, गृणंति का अर्थ होता है गुनगुनाता रहता है। देखिए भगवान को प्राप्त करने का कितना सरल तरीका महत्वपूर्ण स्वर्णों को देकर चले गए, भजन करते ये दोहार नाम रूप गुण सुनी भक्त मुखे पुनि पुनि, परम आनंद सुख पाऊं, परम आनंद के साथ उस सुख को पाऊं मैं, क्या करूं तो हेम गौरी तरुराज, प्रिया जी का कैसा श्रीअंग है चमकता हुआ जैसे स्वर्ण सुनत चमकाया गया, तत्त कांचन श्री गौर है प्रिया जी का, आंखी दर्शन चाहे रुदन करीब अभिलाष, कहाँ कोई रोता है, रोता है कोई संसार के लिए, बेटा बेटी के लिए तो सब लोग रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कहाँ कोई रोता है, अब बिना रोए तो भगवान मिलेगा नहीं। भगवान को अपने भक्त का आँख का आंसू बहुत प्यारा लगता है, बहुत मीठा लगता है, भगवान देखते हैं माला तो जब करता है, धन के लिए रो लेता है, पैसा के लिए रो लेता है, बेटा परिवार के लिए रो लेता, मेरे लिए तो कोई रो नहीं रहा, तो इनको इतना कष्ट होता है भगवान को, कहते हैं कि आंखी दर्शन चाहे रोदन करीब अभिलाष, ये भगवान की सेवा के लिए रोना तड़पना यही तो भगवत प्रेम का लक्षण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग जलधर ढर ढर, देखिए प्रिया जी का श्रीअंग कैसा है, तप्त कांचन श्री गौरा,
प्रिया जी का रूप, और श्याम सुंदर का रूप कैसा है, तो जल धर धर धर। अभी अभी बरसने वाला जो जलधर है वैसा भगवान श्याम सुंदर का है, नौ जलधर जलधर के अति मनोहर रूप भुवन प्रकाश। ऐसा रूप को मैं कब देखूं, सखी गण चारिपा से सेवा करी अभिलाषे से सेवा परम सुख धर। भगवान का स्वभाव है भगवान अकेले नहीं रहते, कृष्ण का कृष्ण भगवान अपने घर से निकलते हैं तो कुछ नहीं तो गैया पीछे लग जाती, मयूर लग जाते हैं, वो पक्षी लग जाते हैं, कहाँ तक कहाँ है ये भावरा गुनगुनाने लगता है चरण भगवान, खूब बालक आ जाते हैं, कृष्ण का स्वभाव है। खास करके सखियां चारों तरफ आ जाती हैं श्याम सुंदर के प्रियालाल के पास, सखी गौण चारी पास सेवा करी अभिलाषे। देखिए भाई, महात्मा लोग भगवान के पास आते हैं तो अपने सुख के लिए नहीं, सेवा सुख के, दर्शन के लिए नहीं, उनको सुख देने के लिए। ऐसे भगवान अभी प्रकट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यदि आप दर्शन करेंगे तो भग जाएंगे, उनको सेवा में फंसा देंगे। अब कृष्ण के पास सखियों के पास कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो इतना सेवा करने लगती हैं कि अब टाइम ही नहीं, और उनको पकड़ करके ले जाती हैं किशोरी जी के पास। यही है, भगवान को यदि रुकना है तो एक ही बात है, दर्शन करने से भगवान नहीं रुकते, उनको भी तो दुख लगता है ना, हम खड़े हैं सब लोग आराम से देख रहे हैं, उनको सेवा चौबीसों घंटा से। अभी देखिए राधा रमन जी में जाइए, बिहारी जी में जाइए, तो हमेशा सेवा में रहते, थोड़ा सा ये कितनी बड़ी सेवा, तुरंत पर्दा डाल दो, आँख नम लगे जाए, ये भी तो सेवा है, पुजारी का सबसे बड़ा सेवा है हमारे प्रभु पर कोई आँख न लगा दे। तो सखियाँ चारों तरफ रहती हैं और सेवा की अभिलाषा रखती हैं, वो सेवा के सुख के लिए सब, यही मौन तनुमर यही रसे सदा भोर नरुतम सदा ही बिहार। देखिए महान महात्मा लोग भक्त लोग सदा यही बिहार करते रहते, सुबह से शाम तक प्रिया जी की इन लीलाओं का स्मरण करते और स्मरण करके अपने मन को प्रिया जी की चरण को मन में लगाते और लगा करके प्रसन्न रहते। लेकिन हमारी दुर्दशा क्या हो गई, हम लोग अपनी दुर्दशा तो देखे कि हम लोग संसार में आए और विपत्ति में फंसे। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है कि माता पिता भाई बंधु घर द्वार इस स्वजन है डकैत, जिन डकैतों के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, कोई समझ नहीं। भगवत रसिक जी कहते हैं आए संग नहीं असंग भय मग में भय मिलाप, कोई तो किसी के संग नहीं आया है, आ कोई कितना भी प्यारा है जाएगा तो संग नहीं ले जाएगा, ले जाएगा किसी को नहीं मिल जाएगा ना। आए संग नहीं संग गए मग में भयो मिलाप, जाएगा भी अकेले आया भी अकेले और बीच में मिलाप हो गया।